आपको याद होगा 2 साल पहले यहाँ पर डीसी साहब ने एक दरबार लगाया था, तो इसी यूथ हॉस्टल एसोसिएशन का एक मेंबर जो था अपना लोकल ही था, तो उन्होंने उनके साथ मेरी थोड़ी नोक झोंक तीखी बहस भी हो गई। बात करें दक्षिण की, बात करें मड़वा की, बात करें वाड़वन की, बात करें बोंजवा की, बात करें इंद्रवाल की, बात करें जकियास की, बात करें कहरा की, गुंदो की, डोडा की, ऐसे बैकवर्ड विलेजेस में ऐसा ही होता है। नमस्कार, पाडर मचेल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम हैं गुलाबगढ़ के बीचों बीच गुम्पा स्कूल में, हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल स्कूल। यहाँ पर हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ अधिकारी हैं जम्मू से आए हुए यूथ एसोसिएशन हॉस्टल ऑफ इंडिया की तरफ से। अब कहा ऐसा जाता है कि ये जो है प्रमोट करने आए हैं यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशंस, टूरिज्म और इन सभी चीज़ों को। लेकिन जब हमने यहाँ पर धरातल की सच्चाई देखी तो लगभग हमें उसी चीज़ का एहसास हुआ जो अक्सर होता है। इससे पहले भी टूरिज्म वाले आए हैं, इससे पहले भी यूथ हॉस्टल वाले आए हैं। वो आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को प्रोग्राम करके सक्सेसफुली चले जाते हैं। पिछली बार कैराती लाल जी आए थे, उन्होंने कोई टूर्नामेंट कराया, बोले जी गाँव से जो है शहर की तरफ स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। आए, वर्दियाँ लगवाई, किराए की वर्दियाँ उतरवा दी और फिर शाम को जो है अपना डिनर करके वो चले जाते हैं। बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पर तक कुछ नहीं मिलता है। इस बार ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर फिर से एक टीम आई है। कहा यह जाता है कि टूरिज्म की तरफ से आए हैं और यूथ एसोसिएशन हॉस्टल ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं। लेकिन यहाँ पर जब पहुँचे, माननीय तहसीलदार साहब को भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया। सुबह 5:30 बजे उनको ये इंटीमेशन दिया जाता है कि हम लोग आए हैं यहाँ पर और आप हमारा साथ, वो फ्लैग वेव ऑफ करने भी आए थे। लेकिन जब हम वही इंटरनली डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो है इसको एक सक्सेसफुल बनाया जा सकता था, और ऐसे में कुछ अधिकारियों का ये कहना था कि हम एक तो ऑलरेडी पाडर के ऊपर एहसान कर रहे हैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके, ऊपर से आप जैसे मीडिया वाले हमें जो है डिस्करेज कर रहे हैं। इट वॉज जस्ट अ डिस्कशन विद वन ऑफ द अधिकारी। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दिखाया जाता है, एक सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, लेकिन अगर सही में ब्रदरहुड को प्रमोट करना होता तो प्रॉपर इंटीमेशन दिया जाता था और यहाँ के लोग और भी आते। जब समाज के यहाँ के लोग मिलते तब शायद ब्रदरहुड सही मायने में प्रमोट होता। लेकिन अभी फिलहाल आ रहे हैं, अपनी कार्य प्रणाली में लगे हुए हैं, इधर उधर फोटो वोटो खिंचा के ये लोग चले जाएंगे। हम इस चीज़ का बायकॉट करते हैं और ऐसे लोगों से यही कहेंगे कि यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर आते हैं सर, अपना प्रोपेगेंडा लेकर के मत आइए कि कागजों में और शीट्स में टेबल वर्क करना है और कंप्लीशन करनी है, फंड्स लेने हैं या व्हाट्सएवर। लेकिन यहाँ पर जो ये मुद्दा है ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, मुझे तो कहीं भी नहीं दिखा कि इनमें से ऐसी कोई इच्छा इनमें थी या ऐसी कोई लालसा थी, क्योंकि यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान में ना लेते हुए इन्होंने जो अपना काम करना चाहिए, यही कहना चाहेंगे कि खाना पूर्ति है। आज सुबह की हमारी जो रिपोर्ट थी यूथ एसोसिएशन हॉस्टल ऑफ इंडिया की तरफ से आए कुछ आला अधिकारी, जिन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर आए हैं यहाँ के ट्रेडिशंस, कल्चरल वैल्यूज़, टूरिज्म की प्रमोशन करने के लिए या एक ब्रदरहुड को जो है कायम करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। ऐसे में हमने उनसे सवाल पूछने चाहे लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, बजाबता ये भी कह दिया कि हम यहाँ पर आए हैं अपने पैसे खर्च के और हम ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर जो एहसान कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी इदारों को बता देना चाहता हूँ कि जो पाडर की डेमोग्राफिक पोजिशनिंग बैकवर्ड होने की वजह से या एक ऐसा अपने आप में एक समृद्ध होने की वजह से जो लोग सिर्फ कागजों में ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसी ऐसी जगह गए और ये स्कीम हमने इम्प्लीमेंट कर दी, यहाँ पर आकर के सिर्फ वो खाना पूर्ति करते हैं, चाहे वो किसी की तरफ से स्पोर्ट्स का कोई इनिशिएटिव हो, चाहे वो ऐसे ब्रदरहुड को कायम करने की ज़रूरत हो, यहाँ पर आते हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, लेकिन उसका सही में जो है मोटिव ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसी चीज़ के ऊपर हमने उनका बायकॉट किया था और ये कहा था कि हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ आते हैं, चार पोस्टर दिखाते हैं। उनके पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ था कि भाईचारे के लिए जो है, और भाईचारे की जब आप बात कर रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को मुलव्वज़ करना बहुत ज़रूरी था, बेसिक वो था। हमारे DDC साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे BDC साहब बैठे, हमारे अराकीन लीडर साहब यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने भी बताया कि हमसे भी संपर्क नहीं किया गया था कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन से भी हमने रابطہ किया, उन्होंने भी यही कहा, साहब ने भी यही कहा और वो भी चले गए। आइए बात करते हैं यहाँ पर अर्पण राणा चेयरमैन जी से, BDC चेयरमैन की, किस तरह से ये देखते हैं ऐसी चुटपुट घटनाओं को जहाँ पर हमें सिर्फ एज ए पाडर की लोकेशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है लेकिन जो पीछे से फंड्स आते हैं वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। चेयरमैन साहब, जयदेव। जयदेव भीम जी, सुबह की घटना ये जो है मैंने आपके संदर्भ में लाया भी था बात करके, बजाबता DDC साहब को भी कॉल किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या ये पहली घटना है या ऐसा अक्सर होता रहता है? ये भीम जी, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि अक्सर होता रहता है। आपको याद होगा 2 साल पहले यहाँ पर DC साहब ने एक दरबार लगाया था, तो इसी यूथ हॉस्टल एसोसिएशन का एक मेंबर जो था अपना लोकल ही था, तो उन्होंने उनके साथ मेरी थोड़ी नोक झोंक तीखी बहस भी हो गई। मैंने उनसे क्वेश्चन पुट अप किए थे कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन में अगर आप काम करते हो तो आप मुझे बताएं कि आपने अभी तक बॉर्डर में कितने कैंप करवाए,
कहाँ कहाँ पर आपकी टीम पहुँची और क्या क्या आपने पार्टर में किया, लेकिन उनके पास तत्काल प्रभाव से उनने कोई जवाब नहीं दिया। अगर ऐसी कोई टीम भी पार्टर में आती है, वो कहते हम कि यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने आते हैं, ट्रेडिशन को प्रमोट करने आते हैं, हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करने आते हैं, तो हमारा यही रहेगा कि 13 पंचायतें पार्डर में हैं, 13 सरपंचेज हैं और यहाँ पर बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस पार्डर में हैं, जैसे गंधारी वैली होगी, फ्लोरल वैली है, वो धड़लंग नाला हो गया, बरनाज हो गया, यहाँ लिगरी हो गया, यहाँ अपना शेषनाग का मंदिर हो गया तत्तापानी में, तो लोकल यूथ्स को, लोकल जो बंदे हैं उनको इन्वॉल्व करके वो उनको सही गाइडलाइंस देंगे, गाइड करेंगे कि आपने कहाँ कहाँ पर जाना है, ताकि पार्डर का जो पोटेंशियल है खासकर टूरिज्म का, वो किसी विश्व पटल पर आए, उसको एक सही पहचान मिले। ऐसा नहीं कि आप किसी एनजीओ के थ्रू आए, अपने चार दोस्त यार दोस्तों को आप पकड़ लें बीच छत्तरगढ़ स्टेडियम में, अपने रिलेटिव्स को ले लें डाक बंगलों में या कहीं गुलाबगढ़ के आसपास जो पार्क है उधर 3-4 फोटो खिंचवाए और चले गए, हमने जी मतलब अपना काम कर लिया, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर 3-tier सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू हुआ है, यहाँ पर DDC भी है, BDC है, 13 सरपंचेज हैं, कम से कम उनको हमारे साथ संपर्क करना चाहिए, हमें बाईपास नहीं करना चाहिए, हम उनको अच्छे गाइड प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा जो ट्रेडिशन है, कास्ट कल्चर ट्रेडिशन और जो हमारा पोटेंशियल है टूरिज्म के क्षेत्र में, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें। तो इसका फ़ायदा जो है हमारे पार्डर को, वो आने वाले भविष्य में इसको फ़ायदा मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि 2.5 लाख पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं पर ईयर मचेल यात्रा में, तो मैं चाहता हूँ कि उन टूरिस्ट के नॉलेज में भी ये बात पहुँचे कि कहाँ कहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे मैंने गिनवाए अभी 4-5 टूरिस्ट प्लेसेस, ताकि वो 4-5 यात्रा के अलावा भी 4-5 दिन यहाँ रहें, उन स्थानों पर जाएं। उससे क्या होगा, एक तो यहाँ का टूरिज्म जो है वो प्रमोट होगा और यहाँ की इकॉनमी भी बढ़ेगी। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है, जो भी NGO यहाँ पर आती है, फॉर वो आज यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाले आए, मेरा उनसे भी यही इल्तिजा रहेगी कि भाई आप बाईपास ना करें, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। एवरी टाइम हमारे 13 सरपंचेज हैं, यहाँ के लोकल सरपंचेज के अलावा यहाँ के लोकल्स हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ढोक कमेटियाँ हैं जो धारों पर जाती हैं, पुहाल जिनको हम पुहाल कहते हैं, हमारे चरवाहे जो हैं वो गर्मियों के 6 महीने धारों पर होते हैं और उनको बिट बाई बिट हर चीज़ का पता है, वो हर चीज़ को जानते हैं कि कौन सा चश्मा कहाँ पर है, कौन सी धार कहाँ पर है, किस धार में क्या है, किस धार में क्या है, तो उनको आराम से बता सकते हैं। तो इन फ्यूचर वो जब भी आए, वो यहाँ के लोकल से कॉन्टैक्ट करें, BDC DDC सरपंचेज और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉन्टैक्ट में रहें, हमें इन्फॉर्म करें, ताकि हमारा पार्डर का जो है वो विश्व पटल पर सही तरीके से हमारे टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो एक्सप्लोर हों, उनको एक सही दशा मिले, दिशा मिले, पहचान मिले, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर पिलग्रिम्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में आएँ, क्योंकि पिलग्रिम्स के आने से यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। ये थी बहुत ही सीधी और सटीक बातचीत BDC चेयरमैन अर्पण राणा जी से। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और सही शब्दों में जो है, कड़े शब्दों में निंदा करी कि ऐसे बाईपास ना किया जाए। बात करें दक्षिण की, बात करें मड़वा की, बात करें वाड़वन की, बात करें बोंजवा की, बात करें इंद्रवाल की, बात करें जकियास की, बात करें कहरा की, गुंदों की, डोडा की, ऐसे बैकवर्ड विलेजेस में ऐसा ही होता है कि माननीय हमारे प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें चालू करी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेडल अगर लाने हैं तो इस बार गांव से जो है शहर की तरफ मेडल लाए जाएंगे। कहीं ना कहीं उनके कहने का ये संदेश था कि स्पोर्ट्स को जो है बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पर। ऐसा इन सभी एरिया में समझता हूँ इनका दर्द और हमारा दर्द सेम ही है कि लोग आते हैं लेकिन यहाँ पर जिस मुद्दे से या जिस पर्पज़ से उन्हें भेजा जाता है उसे वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और पार्डर जैसे और भी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, पोज देते हैं और उसके बाद जो है फंड अंदर हैंठे जाते हैं। ये सीधा संदेश उन लोगों को देना चाहूँगा कि अब आने वाले टाइम में ऐसा चलेगा नहीं। हमारे दीगर लीडरान साहिबान के नॉलेज में बात आए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट किया जाए और उसके बाद जो है पार्डर को किसी भी पटल पर आप यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट, देखते रहे पार्डर में। जय हिंद, जय भारत।